होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला, अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजर कहीं पे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? चौधरी ने अगर आपकी बंदूक जो है पाताल में भी छिपा के रखी होगी तो ठाकुर साहब मैं ढूंढ के लाऊंगा, मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। अरे तबाक, कितना बढ़िया काम करेगा तू, इतना बढ़िया काम कर रहे हो फिर भी यहाँ बोलते हुए खड़ा है, जाके फटाक से काम का ही नहीं करता जा। अरे ठाकुर साहब जा रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। आपकी बंदूक मिलेगी और आज ही मिलेगी। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया है ना उसके बारे में तुम सफाई दो। अरे हम काहे सफाई दे और हम काहे इसकी जंग लगी हुई बंदूक ले। हाँ अरे हमरे पिस्तौल को जंग नहीं लगी थी, तुमने तुम्हारी पिस्तौल जो है वो झरपेटनपुर से खरीदी थी। हाँ अरे हमारी पिस्तौल जर्मन से मंगवाई है। बात ये है सरपंचायन जी कि एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब मैं ठाकुर साहब के घर गया इनका हालचाल पूछने के लिए, हाँ, तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने अपना तमंचा तकिए के नीचे रखा हुआ यानी सिरहाने, और उसके बाद जब दबंग बाबू गए इनके पास इनका हालचाल पूछने तो इन्होंने कहा इन्होंने तमंचा रखा था पैर के नीचे। तो मेरी एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि एक तमंचा दो जगह कैसे हो सकता है, ये बताया ठाकुर साहब बस। वही तुमको ठाकुर ने कहा था कि वो तमंचा उसने अपने पैरों के पास रखा था? चिमेली जी ठाकुर साहब ने कहा तो था, लेकिन लेकिन हो सकता है कि तमंचा खोने के गम में ठाकुर साहब का दिमाग ठीक से चल ना रहा। हमारा दिमाग सही नहीं काम कर रहा है, हमारा दिमाग एकदम बिल्कुल ठीक है। हाँ हमें दबंगवा की बात सही लग रही है कि ठाकुरवा का दिमाग सही से नहीं चल रहा है। ससुरा जो भी आता ससुरा हम ही को सिखाने लगता है, बंदूक यहाँ रखते तो चोरी नहीं होती, बंदूक वहाँ रखते तो चोरी नहीं होती है। देखिए सरपंच जी हमको पूरा यकीन है, हमको पूरा मालूम है कि ये तमंचा जो है ये चौधरिया ने चुराया है ससुरा ने। पंचायत ये हुक्म देती है कि ठाकुरवा को हिरासत में ले लिया जाए। पकड़ो 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 कुछ छोड़ दो, हम आज जान ले लूंगा इसकी ससुरा की। अरे 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 ठाकुर दा क्यों जज्बात से बह रहे हैं, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हैं सामना। ठाकुरवा को तब तक हिरासत में रखा जाए जब तक इसका दिमाग सही नहीं हो जाता। बंदूक गुम होने के गम में बेचारा पगला गया है। ए दबंगवा इसे जंजीर से बांध दे। कौन सी? अरे पिछली बार सांड पागल हुआ था ना उससे बांधा था बड़ी मोटी जंजीर से, उसे बांध ठाकुरवा को। सही फरमाया था। अरे अरे पंचायत देखिए हम पागल नहीं है। हाँ ससुरा हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं हुआ है। अरे हम सचमुच पागल नहीं है। अरे पागल तो हमको सारा गांव नजर आ रहा है। अरे चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो तो पागल होता है ना वो अपने को छोड़ के बाकी सारी दुनिया को पागल कहता है। अरे नहीं हम पागल नहीं है। अरे 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 ठाकुर साहब कौन पागल आपको पागल कह रहा है? आप पागल नहीं है, पागल तो हम लोग हैं, सब पागल है, दुनिया पागल खाना है। ठाकुर के घर में घुसकर बंदूक चुराने की कोशिश की। yes.
साहब, ठाकुर साहब, हमको माफ कर देना ठाकुर साहब, हमको माफ कर देना। वो ना, मैं ना बहुत बहुत कबूत कंफ्यूज हो गया था कि आपकी दोस्ती का फर्ज निभाऊं या फिर इस पापी पेट के लिए अपनी नौकरी को बचाऊं। ठाकुर साहब, वो क्या ना कि इस हमारे देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सिर्फ एक ही वैकेंसी के लिए हजारों लाखों लड़कों की लाइन लगी हुई है, पता नहीं नौकरी किसको मिलेगी। और क्या ना ठाकुर साहब, वैसे भी कि मेरे जो पापा थे ना, पापा बजरंग पांडे जी, मैंने उनका सारा खेत बेचकर ये दारोगा की नौकरी हासिल की थी, इतनी सारी घूस खिलाई थी, तब जाके मुझे ये नौकरी मिली थी ठाकुर साहब। और मैं इस नौकरी को गंवाना नहीं चाहता था ठाकुर साहब। क्या हुआ ठाकुर साहब, हम तो आराम से अपने खाने में सो रहे थे, एकदम मजे से सो रहे थे, चमेली जी के सपने आ रहे थे हमको, जैसे ही हमारी नींद खुली, मैंने देखा कि मेरी बंदूक ही नहीं है वहाँ पे ठाकुर साहब, मेरी बंदूक वहाँ से गायब हो चुकी थी। कोई कमीना कुत्ता ससुर सुअर मेरी बंदूक को उठा कर ले गया। और फिर हमको पता चला कि एसपी साहब आने वाले। अब आप ही बताओ, एसपी साहब के सामने मैं बिना बंदूक के कैसे जाता? तो मेरी तो नौकरी कैसी हो जाती ठाकुर साहब, मुझे तो जिंदगी भर घर पर बैठने पड़ता, घर पर ही बैठ कर बर्तन मारता रहता ठाकुर साहब। मैंने जानबूझ के नहीं किया ठाकुर साहब, बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं किया ठाकुर साहब, आई एम सॉरी। क्या ना ठाकुर साहब, आपको तो हमारे लिए पागल तक होना पड़ा ठाकुर साहब, पागल। आपने तो ना जानते हुए भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया ठाकुर साहब, और मैं तो सब कुछ जानता था, फिर भी अपनी दोस्ती का फर्ज नहीं निभा पाया। आई एम सॉरी ठाकुर साहब, आई एम सॉरी। और हाँ, थैंक यू वेरी मच। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको आपकी जूलियट मैडम जरूर मिले, पूरी नहीं तो कम से कम आधी तो मिल ही जाए, लेकिन मिल जाए। ठाकुर साहब, आई लव यू वेरी मच। ठाकुर साहब अब आराम से सो, एकदम खराटे लो खराटे, ठीक है? बहुत अच्छे मिले ठाकुर साहब। बाबू आ गए। अरे क्या हालत हो रखी है। ठाकुर साहब की जंजीर खा गई। ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, राम राम राम। अरे तो रोगा बाबू, नहीं ऐसा तो नहीं है ठाकुर साहब बंदूक के गम में पर लोग सिधार गए। जब तक मुर्गा बांग नहीं देगा आप उठोगे नहीं क्या? अरे चुप मुर्गे ससुर, देख नहीं रहे? अरे बंदूक, अरे बंदूक यहाँ कहाँ से? आपके हाथ में है तो आप बताइए। अरे वह चौधरिया ने ससुरे ने चुराई होगी। हाँ, आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मैं एक एक करके उसको अरे
देखा देखा ससुर ने बंदूकें खराब करके रख दी। अरे ठाकुर साहब आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, भला चौधरी साहब बंदूक क्यों खराब करेंगे, हो सकता है बंदूक में गोलियां ही ना आए। हाँ ये भी तो हो सकता है। हाँ 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 आजा, जरा तुझ पे किराए कर लेता हूँ, आजा आजा। अरे अरे मुझसे क्यों, आपकी तरह धोखेबाज आपकी बंदूक भी है, चल गई तू। अच्छा तो तुम सब लोग यहाँ जमा हो ठाकुरवा के घर पे। हाँ ना सरपंच जी बहुत अच्छा किया जो इस चौधरिया को यहाँ लेके आए। हाँ इस चौधरिया को हमरे हवाले कर दो, इसका हिसाब हम चुकता करूंगा। आ जाइए यहाँ करीब। इसलिए हम इसको लेकर आए हैं, लेकिन बंदूक इसने नहीं चुराई है ठाकुरवा, ये किसी और का ही काम है। मेरे जी अब बताइए ये काम किसने किया है? अरे मैं कानून वाला हूँ, कानून वाला। अरे दबंगवा ज्यादा कानून कानून मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि कानून के रखवाले को ही सजा हो जाए। हाँ तो ठीक है जब 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 चमेली जी ने मेरा मतलब पंचायत ने ये फैसला यहीं पर ले लिया कि इस 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 केस को यहीं पर खारिज किया जाए, तो आप सब लोग अपने अपने घर जाओ प्लीज। सुन ठाकुरवा, ये बंदूक साफ करने से मन की गंदगी साफ नहीं होती, पहले अपनी मन की गंदगी साफ करके आ फिर बात कर, समझा तू? चला 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 चलो चलो भाई चलो। मेरे हाथ की लगी गंदगी साफ कर रहा हूँ। ख्याल रखिए ठाकुर साहब अपना, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। ठाकुर साहब बैठिए ना, बैठिए ना। नहीं हम तो बैठिए ना ठाकुर साहब, बैठिए ना ठाकुर साहब। वो मुझको लगता है कि चौधरी साहब ठीक ही बोल रहे थे, क्योंकि मुझको ये लग रहा है कि मेरे अंदर थोड़ी गंदगी घुस गई है। कैसे गंदगी घुस गई है? हाँ कैसी गंदगी रे? अरे ठाकुर साहब आप समझे नहीं, मैं दरअसल बात क्या है ठाकुर साहब की, ये आपकी बंदूक मैंने ही चुराई थी, मैंने ही चुराई थी। मुझे तो पहले बता दे ये बंदूक तूने चुराई थी। अरे कुत्ते का है? अरे ठाकुर साहब बता रहा हूँ, अरे दौड़ थोड़ा दूर रखो, बता रहा हूँ आपको, मैंने जानबूझ के नहीं किया सब कुछ। फिर हमने सोचा कि हम आपसे बंदूक मांग ले, फिर हमें लगा कि अगर आपने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे, हमें तो बंदूक चाहिए थी, इसीलिए हमने आपकी बंदूक चुरा ली। और एक बात तो ठाकुर साहब, अरे मैंने तो आपको आपकी ये बंदूक जो है वापस करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन लेकिन आपने इतना हंगामा मचा दिया, मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं आपकी बंदूक वापस रख दूं। लेकिन ठाकुर साहब एक बार बस एक बार वो कमीना मिल जाए मुझे, कहीं दिख जाए बस उसको, तो मैं इतना फोड़ दूंगा। अरे ना ना इतनी गाली देने की जरूरत नहीं है, बस तू बैठ जा, बैठ जा कमीना कुत्ता। अरे बैठ बैठ बोल रहा हूं ना बैठ। सुअर अबे हां ठीक है बस बस बैठ। क्या हुआ ना तो तेरी जो बंदूक है ना वो दरअसल वो हम ही ने चुराई थी। क्या हां मतलब हुआ? अबे आपने चुराई थी? हां वो सुन तो ले, क्या हो गया ना उस दिन हमको ससुर शिकार करने का बहुत मन कर रहा था, हम तमंचा लेकर निकले कि आज ससुर खरगोश हिरन मार गिराऊंगा, देख रहा हूँ ससुर पिस्तौल में गोलियां नहीं था। हाँ तो हमने सोचा कि हम तोहरे पास आके तोहरे से गोली मांग लेंगे। अरे तो ठाकुर साहब मांग लेते ना, आपके लिए तो जान हाजिर है, ये गोली का चीज है और वो भी सरकारी गोली। हाँ अरे उसी लिए तो हम तोरे थाने पहुंचे, तो देखा हमेशा की तरह तू थाने में था ही नहीं ससुर, तेरा पिस्तौल जो था वो मेज पे रखा था। वो पिस्तौल हमने देखा और सोचा चलो इसमें से गोली निकाल ले। गोली निकालने के लिए जैसे ही वो पिस्तौल को हमने हाथ लगाया तभी हमको किसी के आने की आहट हुई, अब हमने सोचा ससुर तोरी पिस्तौल हमारे हाथ में देखे उसको कोई शक ना हो जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में वो बंदूक हमने अपने मतलब आपने वो बंदूक उठाई और चंपत हो गए हैं? और फिर उतनी सफाई से आपने बंदूक वापस भी रख दी। तो फिर ये सब तो आदत की बात हो गई है जब से तुहार संगत मिली है हमका। मतलब बंदर। चमेली जी। हाँ बंदर। बंदर नहीं मैं। हाँ हाँ बोल। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल मुए। ऐसे नहीं
आपके कान में बोलूंगा, कान में। अरे उसका बहरी है कि हमको सुनाई नहीं देता, कान में कहे बोलोगे, ऐसे ही बोलते। तो ठीक है, नहीं बोलता जाओ। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा नजदीक आकर बोल दे, थोड़ा। अरे मैंने आपसे कहा ना कि मैं अगर कहूंगा तो सिर्फ आपके कान में कहूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। अरे सरपंच जी, सुन तो लीजिए, कान में कुछ कह ही रहा है ना, थोड़े कान काट रहा है। अरे सुन लीजिए, शायद आपके फायदे की ही बात कह रहा हो। अरे इससे कभी हमारा फायदा नहीं करा है, हमेशा नुकसान करा है। अरे सरपंच जी, नुकसान कैसे कराया आपका भाई? अरे नानसुख, तुमको नहीं मालूम है, हमारी जो बकरी है ना, वो 2000 रुपए में बिक रही थी। इस मुए ने 500 रुपए में कसाई को बिकवा दी, और 500 रुपए कसाई से भी खा गया कमीशन। सरपंच जी, हम सच कह रहे हैं, ये जो ठाकुरवा और दबंगवा है ना, ये भरोसे लायक नहीं है। अरे हमने अपनी लाइफ में जब भी इन पर भरोसा किया है ना, वो कुल्हाड़ी आकर हमारे पांव पर गिरी है। अरे ससुर, भरोसा तुमने नहीं, भरोसा हमने किया था। हाँ। तुम्हारे भरोसे ससुर, हमने उस खजूरी वकील को वकील रखा, वो मुर्गी वाले केस में। अरे पैसे लिए कि ससुर केस लड़ेगा, लेकिन वो हर तारीख के दिन ससुर गायब रहता था। बाद में तो हमारा घर कुर्की करने का नोटिस आ गया, एक मुर्गी ससुर हम पे भारी पड़ गई। अच्छा 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 ठाकुर साहब, इसीलिए टाउन में आके आपने वो पोल्ट्री फार्म खोला था। देख दबंग, अगर हमारी बात मानोगे ना तो हम कह रहा हूँ, जो भी कहना है ससुर खुल्ला खुल्ला कह दे, कान में कहने का कोई जरूरत नहीं है। अरे तू भी कोई छोटा मोटा आदमी है का? अरे दरोगा हो, गाँव के दरोगा। ठीक है ठीक है, जब हम नहीं बोलते, अगर चमेली जी को लगता है कि मैं इनका नुकसान करवाता हूँ तो मैं इनसे इनसे नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, ये दबंगवा, अब तू हमको नहीं बताएगा ना तो फिर हमारे पेट में दर्द रहेगा। अब बता दे बता दे। अच्छा चल, कान में ही बता दे। हाँ बता दूँ? हाँ ठीक है ठीक है। चमेली जी, चमेली जी, मैं ना आपसे बिना दहेज लिए आपसे शादी करने को तैयार हूँ। शादी तो तू मुझसे तब करेगा ना अगर हम शादी के लिए हाँ कहेंगे। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जूट करो, जूट करिए। अंग्रेजी में और कौन सी गाली होती है? गिरगिट, गिरगिट, गिरगिट अंग्रेजी में होते हैं। अच्छा जू गिरगिट। अबे गिरगिट भागो ऐसे, अबे डंकी, 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 अरे डंकी, जू मंकी, बदतमीज, कल मुहा, अरे दबंग भाग, अरे भाग, भाग ससुर भाग। बहुत दिनों से चमेली जी के हाथों से पिटा नहीं था, हमको लग रहा था कि हमारा पेट ठंडा हो रहा है, ठंडा, मारिए मारिए। आजा बैठ के इसको मुझे मार। ये तो बहुत गर्म हो गया। आवी, अरे यार क्या कर रहे हैं? नहीं मैडम, वो कहा कि हाँ, ये हमको कह रहा था कि हम दौड़ नहीं सकते, इसलिए हम दौड़ दौड़ के दिखा रहे थे। हाँ चमेली जी ठीक कह रही है। अच्छा चलिए, आप लोग बैठ जाइए, पहले आप, पहले आप, आप बड़ी है ना, आई चल, आई आई, सही मोरा। हेलो एवरीवन, हेलो मैडम, कैसे हैं आप लोग? फाइन मैडम। ठाकुर साहब, आपकी गन मिली? हाँ हमारी गन तो मिल गई। अब अगली बार से आप गन जेब में मत लाइए, ओके? अच्छा ठीक है जैसा हुकुम। आज मैं अंग्रेजी में उन वर्ड्स के बारे में बताऊंगी जो है तो अंग्रेजी लेकिन हिंदी भाषा में भी उसका प्रयोग करते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी वाला शब्द ही हिंदी में आ गया है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और कुछ वर्ड्स तो हिंदी में मिक्स हो गए हैं, जैसे कि ट्रेन। कोई बोल सकता है कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं बताऊं मैडम, ट्रेन। नहीं और कोई? मैडम इस ठाकुरवा से तो पूछिएगा मत, ये ससुरे को तो कुछ आता आता है नहीं। अच्छा चौधरी, तुमको आता है, तुम बता दो। चलिए मैं बता देती हूँ, ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लोपत गामिनी। हाँ समझे, लथ पथ गजनी। गजनी,
गुजरी नहीं गामिनी, लौपथ गामिनी। लोहपथ गामिनी, मतलब लोहे की सड़क पर चलने वाली गाड़ी, मतलब लौपथ गामिनी जी। चाचा तो मैडम जो नाव होती है वो तो पानी पर चलती है, तो फिर उसे पानी पथ गामिनी कहते होंगे है ना? शांत रहिए, शांत हो जाइए। मैं कह रही हूँ ना कि अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में ऑलरेडी आए हुए हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन। आपको पता है स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं बताती हूँ, लौपथ गामिनी भगभग अड्डा। भगभग मतलब ट्रेन को कहते हैं लौपथ गामिनी, हैं? और जहाँ ट्रेन रुकती है वो रेलवे स्टेशन को कहा जाता है लौपथ गामिनी भगभग अड्डा। अड्डा सही है। ठाकुर साहब, हम कब से अंग्रेजी में ही बातें कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं था। तुम अकेले अंग्रेजी में बात नहीं कर रहे थे, सब अंग्रेजी में बात करते हैं क्या? ये अरे मुन्ना, कहाँ है हमारा मुन्ना? ये मैडम जी की पाठशाला।